सेवा प्रबंधन की 8वीं इकाई के इस दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत। विद्यार्थियों, पिछली इकाई में आपने मेन्यू के बारे में पढ़ा, आपने मेन्यू के डिफरेंट कार्य पढ़े, आपने मेन्यू बनाने के उद्देश्य पढ़े, आपने मेन्यू के घटकों के बारे में पढ़ा। इस इकाई में हम मेन्यू मूल्यांकन, अर्थात कोई भी मेन्यू आपने बनाया है तो उसका मूल्यांकन आवश्यक है कि वह मेन्यू, उस मेन्यू के हिसाब से सब चीज़ें ठीक हैं या नहीं है, या मेन्यू जो भी आपने बनाया है वह कितना खरा उस पर उतर रहा है। तो किन किन बिंदुओं का आधार बनाकर हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहला है, भोजन पर्याप्त रूप से पौष्टिक है या नहीं। ठीक है, कि जो भी आप भोजन किसी को खिला रहे हैं उसमें पौष्टिकता पूरी होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स पूरे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बनाते बनाते उसके सारे पोषक तत्व ही खत्म हो जाएं। उसके बाद व्यंजन सूची में रंग रूप स्वाद गंध बनावट के आधार पर पर्याप्त विभिन्नता है या नहीं। अर्थात आपने अगर एक ही, जैसे मैंने पहले भी बताया, पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि पनीर अगर हम लें तो पनीर में ही आपको नंबर ऑफ रेसिपीज होती हैं पनीर की, तो वो पनीर की जो विभिन्न रेसिपीज हैं उनमें एक्चुअल में विभिन्नता है भी या नहीं, अर्थात वो अलग अलग लग भी रही हैं या नहीं, ये बात जरूर एक बार ध्यान देने योग्य है। इसके अलावा व्यंजन सूची में उल्लेखित आहार के अनुसार कुशल कर्मचारी, आवश्यक उपकरण तथा केंद्र में सेवाएं प्रदान करने की सुविधाएं हैं या नहीं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि किसी भी इकाई में वही भोजन बनाया जा सकता है और ग्राहकों को दिया जा सकता है जिसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उस केंद्र में उपलब्ध हों, तो यह भी एक मूल्यांकन का आधार हो सकता है। इसके अलावा व्यंजन सूची में व्यंजनों का अन्य व्यंजनों के साथ सही मेल है या नहीं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने मेन कोर्स है, मेन कोर्स में कॉम्बिनेशन अगर आप देखें कि एक दाल, कोई ग्राहक है कि वो क्या ऑर्डर करेगा, एक दाल लेगा, एक सब्जी लेगा, आपका कोई मीठे में डेजर्ट में कुछ लेगा, तो वो आपस में कितने अच्छे से कंबाइन हो रहा है, तो ये बात भी ध्यान देने योग्य है। इसके अलावा व्यंजन सूची में उल्लेखित व्यंजन ऋतुओं और स्थानीय उपलब्धता के अनुसार हैं या नहीं। कि अगर आपने कोई व्यंजन ऐसा तो नहीं लिख दिया है जो वहाँ पे उपलब्ध ही ना हो, या जिसका मौसम ही ना हो, उस मौसम में होता ना हो, तो ये सब बातें भी ध्यान देने योग्य है। और व्यंजन सूची में दिए गए व्यंजनों के मूल्य नियंत्रित हैं या नहीं, अर्थात बहुत कॉस्टली नहीं होना चाहिए, जैसे उनकी लागत आई है उस पर अपना जो भी प्रॉफिट है उसका, उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि ग्राहक को बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना लगे। बात करते हैं मेन्यू के घटकों की। मेन्यू के 5 घटक होते हैं। पहला है आकर्षक, अर्थात उसे आकर्षक होना चाहिए जिससे कि ग्राहक को वहाँ पे बार बार आने की इच्छा जागृत हो और जो भी चीज़ हो ले उससे सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। उसके अलावा विषय वस्तु साफ होनी चाहिए, सुपाठ्य होनी चाहिए और इजीली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अर्थात जो भी ग्राहक उसे पढ़े उसे सब समझ में आ जाए, कन्फ्यूजन ना पैदा करें, इस प्रकार से उसे होना चाहिए। इसके अलावा डिश के विषय में सहायक सूचना या संकेत, अर्थात व्यंजन सूची प्रपत्र जो मेन्यू है उसमें अगर कोई विदेशी डिश या ऐसे आपने कोई शामिल करी है तो वह किस स्थान की है और उसका, उस रेसिपी का थोड़ा सा विवरण, वो सब भी उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। फिर है प्रारूप, जो भी आपका मेन्यू है उसकी इस प्रकार रचना होनी चाहिए कि यदि उसमें कोई समायोजन करना हो या अर्थात कोई चेंजेस करने हो तो पूरे उसमें चेंज ना करने पड़े, थोड़ा सा जो चीज़ चेंज करनी है उतना ही चेंज करके काम चल जाए। दाग प्रतिरोधक होनी चाहिए, उस पर एक पारदर्शक कोई परत अर्थात लैमिनेशन टाइप कुछ होना चाहिए जिससे कि अगर उसमें पानी लग जाए या कुछ हो जाए, जैसा कि जनरली हो जाता है, उससे वो खराब ना हो, तो इस प्रकार से, और अगर कोई दाग लग जाए तो पोंछ के साफ किए जा सके, इस प्रकार से बना हुआ होना चाहिए। बात करते हैं मेन्यू कार्ड की विशेषताओं पे। विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए या बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि स्पष्ट रूप से दिख सके और आकर्षक होना चाहिए। आहार सेवा केंद्र का नाम, पता, उसमें नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सब होने चाहिए लिखा हुआ, और अक्षर इतने बड़े होने चाहिए कि आसानी से पढ़ने में आ सकें। कोई भी भ्रमित जानकारी या भ्रमित भाषा का प्रयोग उसमें नहीं किया जाना चाहिए। उसमें अंकित मुख्य व्यंजन, सह व्यंजन, स्टार्टर या फिर डेजर्ट्स, आपके पेय पदार्थ जो हैं उनका स्पष्ट वर्गीकरण होना चाहिए।
यदि कोई विशेष प्रस्ताव, छूट या फिर कोई विशिष्ट आप सेवा वहाँ पे ग्राहक को दे रहे हैं, तो उसका भी अलग से आपको विवरण होना चाहिए। मात्रा और मूल्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ही ये होता है कि ग्राहक कंफ्यूज हो जाता है और कभी-कभी ये चीज़ें एट द टाइम ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि ग्राहक कहता है नहीं मैंने तो ये देखा, क्योंकि अगर स्पष्ट नहीं होगा तो उससे दिक्कतें आ सकती हैं। मेन्यू के प्रकार, मेन्यू कितने प्रकार के होते हैं जरा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है एले कार्टे। एले कार्टे का अर्थ है मेन्यू में चयन या चुनाव करने के लिए उसमें आज़ादी होना। अर्थात इस प्रकार के मेन्यू में ग्राहक और मेहमान इच्छानुसार भोज्य पदार्थ को चयन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार के व्यंजन सूची में प्रत्येक दौर जैसे मुख्य डिश, सह डिश, स्टार्टर, डेजर्ट आदि के अंतर्गत व्यंजनों की सूची होती है, जैसे कि आपने नॉर्मली देखा है रेस्टोरेंट्स में उनके आगे उनके रेट्स भी लिखे हुए होते हैं। तो ग्राहक खुद ही उसमें से सिलेक्ट करता है, अपनी जो भी उसकी पॉकेट उसको अलाउ करती है और जो भी उसका इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से। और एला कार्टा में वहाँ से पैक करा के घर ले जाने की सुविधा भी होती है, और ये सब इसकी विशेषता है। उसके बाद बात करते हैं टेबल जी होटे। टेबल जी होटे का अर्थ है मेजबान की टेबल। इसका अर्थ ये होता है कि मेन्यू में क्या क्या व्यंजन शामिल होंगे और इसका चयन मेजबान करता है। इस प्रकार के मेन्यू में लचीलेपन या परिवर्तन का अभाव होता है, क्योंकि जो भी मेजबान होगा अर्थात जो भी कस्टमर होगा उसके अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा और वही उसी टाइप का भोजन आप बना सकते हैं। जैसे थाली भोजन आप सोच सकते हैं कि थाली अगर कहीं पे है उसमें फिक्स होता है कि अगर माना कि कहीं की एक जैसे थाली का सोचें तो उसमें एक पराठे या रोटी, राइस, दाल और एक सब्जी, एक सूखी सब्जी, इतना आपका फिक्स होता है। तो इस प्रकार से जैसे आपने देखा होगा रेल यात्रा या हवाई यात्रा में इस प्रकार की मेन्यू प्रणाली प्रचलित है। इसके बाद कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का अर्थ है मेल, और ये टेबल डी होटे और एले कार्टे का कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। इसमें कुछ लचीलापन होता है और कुछ फिक्स होता है। इस प्रकार के मेन्यू में कुछ डिश जैसे डेजर्ट, सूप और पेय पदार्थ में विकल्प होते हैं और जिन्हें ग्राहक अपने पसंद के अनुसार चयन कर सकता है, लेकिन मुख्य डिश में किसी प्रकार का लचीलापन नहीं होता है। तो ग्राहक को मेन डिश में तो वही लेना पड़ता है जो कि मेजबान द्वारा दिया जाता है, और कॉम्बिनेशन में और बाकी उसमें वो अपना सेलेक्ट कर सकता है डेजर्ट और सूप वगैरह। हॉस्टल्स हैं, मेन क्लब्स हैं, कॉलेज कैंटीन है, यहाँ पे ये सब चीज़ें याला मेन्यू, ये जो मेन्यू है ये लागू होता है। अगला आता है ओकेजनल मेन्यू, अवसर के अनुसार मेन्यू। अवसर के अनुसार जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि किस अवसर पे भोजन कराया जा रहा है उसके हिसाब से, जैसे विवाह का, बर्थडे पार्टी का या फिर नामकरण का, सबका अलग अलग प्रकार का मेन्यू होता है। तो ग्राहक की मांग के अनुसार मेन्यू डिजाइन किया जाता है और मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। इसमें डिश की संख्या व मात्रा परिवर्तन हो सकता है, और केटरिंग में इसी प्रकार का मेन्यू का प्रयोग होता है। देखा है शादी वगैरह में तो ये उसी प्रकार का। इसके बाद एकल प्रयोग मेन्यू, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इस प्रकार का मेन्यू केवल एक बार के प्रयोग के लिए ही डिजाइन किया जाता है, और यह औपचारिक अवसर और अनौपचारिक अवसर दोनों के लिए बनाया जा सकता है। औपचारिक अवसर में वेटर सेवा का प्रबंधन होता है, जिसमें मेन्यू कार्ड प्रत्येक सीट पर रखा होता है। तो इस प्रकार से ये सब तो आपने पढ़े ये मेन्यू के टाइप्स थे। अब बात करते हैं रेसिपी विकास दर, रेसिपी का मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। किसी भी आहार सेवा केंद्र द्वारा किसी डिश को बनाने की नवीन विधि विकसित करना या पूर्व में चली आ रही विधि को परिवर्तन करना, इसे रेसिपी का विकास कहते हैं। जैसा इसमें कोई समझाने वाला नहीं तो आपको सब पढ़ के समझ में आ रहा है। रेसिपी विकास के चरण 5 चरण होते हैं। रेसिपी की सामग्री विकसित करना, उपभोक्ता की पसंद नापसंद के आधार पर सामग्री का अनुपात तय करना, और रेसिपी की विधि विकसित करना, विधि सरल होनी चाहिए और रेसिपी की विधि क्रमानुसार उपलब्ध उपकरणों के आधार पर होनी चाहिए, सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है। पैकेजिंग तथा परोसने की प्रक्रिया विकसित करना, रेसिपी का नाम विकसित करना और रेसिपी का स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण करना। अब मानकीकरण क्या होता है? किसी भी आहार सेवा केंद्र द्वारा कोई भी नवीन रेसिपी या पुरानी रेसिपी का परीक्षण तथा मूल्यांकन करने के पश्चात उसे प्रयोग करने की प्रक्रिया को रेसिपी मानकीकरण कहते हैं। सटीक यथा तथ्य विधि, उपकरण व सामग्री प्रयोग करने पर मानकीकृत रेसिपी हमेशा एक जैसे परिणाम देती है। अभी मैं इसका आपको एग्जाम्पल भी दूंगी। जैसे आप लाइक आप हल्दीराम के किसी रेस्टोरेंट में जाइए, ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे भी हैं,
आपको अगर वहाँ पे एग्जांपल भटूरे खाने हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा उन भटूरों की साइज हर जगह पे वही होगी। तो ये वह स्टैंडर्डाइज रेसिपी कि उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि इसका साइज इतना होगा, इसकी मोटाई इतनी होगी और इसका कलर ये होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका मानकीकृत कर दिया, तो आप कहीं पे भी खाइए तो उसकी वही टेस्ट होगा और उतने ही पतले होंगे, उतने ही बड़े होंगे। तो इस प्रकार से इसे स्टैंडर्डाइज रेसिपी कहते हैं। इनका लाभ क्या है? लाभ ये होता है, देखिए जैसे सबसे बड़ा लाभ तो ये कि हमेशा आपको एक टेस्ट मिलेगा, गुणवत्ता उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एक समान पोषक मूल्य प्राप्त होगा और बर्बादी अभाव को या बर्बादी भी नहीं होगी और कमी भी नहीं होगी इसी भोजन की। और श्रमिक लागत को नियंत्रित कर सकते हैं इसके द्वारा, हम भोजन के दाम को नियंत्रित कर सकते हैं और अभिलेखों के रखरखाव भी आसानी हो जाती है, क्योंकि एक बार जो चीज़ जैसे यूज हो गई वो हर बार उतनी ही यूज होगी, उसमें तो कुछ खास उसमें आपको काम नहीं करना पड़ेगा। मानकीकृत रेसिपी के तत्व, रेसिपी का एक शीर्षक होगा, रेसिपी का वर्ग जैसे फल सब्जी मीट ब्रेड आदि, परोसने का हिस्सा, रेसिपी की प्राप्त मात्रा पकाने के उपरांत, प्रयुक्त उपकरण व बर्तन, सामग्री का वजन व अद्यतन मात्रा, पकाने की विधि निर्देश, पकाने का तापमान, उसमें लगने वाला समय, भोजन का मूल्य, लागत, पोषक तत्वों के विश्लेषणात्मक आंकड़े कि किस प्रकार से उसमें पोषक तत्व कितने कितने उपलब्ध हैं। बात करते हैं रेसिपी मानकीकरण के चरणों की कि किस प्रकार से किसी रेसिपी को मानकीकृत किया जा सकता है। इसमें चार चरण होते हैं। पहला होता है रेसिपी को परीक्षित करना, अर्थात उसका परीक्षण करना, जो कि उसके रंग रूप गंध स्वाद के आधार पर किया जाता है। एक पैनल होता है जो कि कुशल प्रशिक्षित पैनल होता है, जिसके जो सदस्य होते हैं उनके सुझावों को सम्मिलित किया जाता है और उन्हीं के द्वारा परीक्षण का कार्य किया जाता है। रेसिपी का पुनः परीक्षण कि जो भी सुझाव आए हैं उनको सम्मिलित करने के बाद उसको पुनः परीक्षित किया जाता है। उसके बाद तब तक इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाता है जब तक कि वांछित परिणाम अर्थात जो स्टैंडर्ड उन्हें उन पैनल मेंबर्स को लग रहे हैं उस स्टैंडर्ड की वो रेसिपी नहीं बन जाती, तब तक उस रेसिपी को बार बार रिपीट किया जाता है। और जब वह रेसिपी जो पैनल मेंबर्स हैं उनके स्टैंडर्ड पर खरी उतरती है, उसके बाद उस रेसिपी को मात्रा को समायोजित किया जाता है। तो अगला आता है रेसिपी की मात्रा को समायोजित करना, अर्थात किस प्रकार से कितना कितना क्या क्या उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ध्यान रखना। आहार सेवा केंद्र की दैनिक आवश्यकता अनुसार मात्रा या अनुपात को समायोजित किया जाता है कि कितनी आवश्यकता है उस जगह पे उस पर्टिकुलर रेसिपी की। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा रेसिपी मानकीकरण का भाग भी पूर्ण होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारी जो 8वीं इकाई है यहाँ पे समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है कि ये इकाई आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। और आप अगली इकाई के साथ हम अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।